लेट्स टॉक अबाउट गौतम्स वीडियो जो उसने किसी चैनल के साथ करी थी, और आई होप कि गौतम इतना दम हो कि वो आ जाए भाई हमारा। और या तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं वो दिखाने पे आऊँगा तो कहीं के रहेंगे नहीं कुछ भी लोग। गौतम भैया, शो के अंदर अगर कुछ ख़त्म हुआ था तो शो के बारे में आके तुमने शुरू किया, मैंने नहीं। अभी फिर जवाब देने के लिए रेडी रहना भैया, ठीक है? अच्छे से मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और मैं। दोस्तों, इस बार के रोड़ी के सीजन में हमने बहुत लड़ाइयां देखी हैं। देखिए, कंटेस्टेंट के बीच में तो लड़ाइयां होती ही रहती हैं, लेकिन इस बार के रोडीज के सीजन में जो गैंग लीडर्स के बीच में लड़ाइयां देखने को मिली है, रोडीज के इससे पहले के सीजन में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला, जहां पर एक तरफ प्रिंस नरुला और दूसरी तरफ गौतम गुलाटी बस एक दूसरे पर हाथ ही नहीं उठाया, बाकी सब वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि इन दिनों के बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि खुद सलमान खान को लड़ाई के बीच में इंटरफेयर करना पड़ा और इन दोनों को समझाना पड़ा। देखिए, इस बात का खुलासा खुद गौतम गुलाटी ने एक चैनल में दिए इंटरव्यू के दौरान किया और कहा कि सलमान खान हमारे दोनों की लड़ाई से इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन मैंने सलमान खान से कह दिया था कि मैं तो आपके चैनल के लिए काम करता हूँ, आपके बैनर के लिए काम करता हूँ, मैं शो छोड़कर चला जाऊंगा। जिसके बाद गौतम गुलाटी ने बताया कि सलमान खान ने प्रिंस नरुला को फोन करके उसको धमकाया और उसको बुरा भला कहकर उसको समझाया और कहा कि चुपचाप शूटिंग करो और अपने घर जाओ। दोस्तों, ये बातें बताई गई थी गौतम गुलाटी के द्वारा, लेकिन अब प्रिंस नरुला ने भी इस बयान पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और कहा है कि बेटा गौतम गुलाटी, एक शो में जो हुआ मैं वो भूल चुका था, लेकिन अब तू पर्सनली जा रहा है और मेरे बारे में इतना झूठ फैला रहा है तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, और अगर तेरे में इतना ही दम है तो आजा, दोनों एक साथ लाइव करते हैं और पूछते हैं एक दूसरे सवाल कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, तो तेरा भी सच आगे आ जाएगा और मेरा भी सच आगे आ जाएगा और फिर जनता डिसाइड करेगी कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। ये एड़ी चालें चलना छोड़ दे और लोगों को गुमराह करना छोड़ दे, नहीं तो मेरे पास तेरा इतना काला चिट्ठा सबूत के साथ रखा है कि अगर मैं तेरा काला चिट्ठा खोलने पे आया तो तू मुंह छुपाकर ऐसे भाग जाएगा जैसे गधे के सर से सींग भाग गए हो। तो भलाई इसी में है कि अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मुझे मुंह बंद करवाना आता है। दोस्तों, प्रिंस नरुला का ये बयान वाला वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, और अब आप ही बताओ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि किस गैंग लीडर की ज्यादा गलती है। दोस्तों, आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।